उसका बेटा नशे पर लग चुका है और बहुत बुरा हुआ है, बहुत ही बुरा हुआ है। उसके बाद जो उसकी छोटी बेटी है, पहले वो थोड़ा सा सिलाई का काम सीखती थी, लेकिन उसके बाद वो सिलाई का काम भी नहीं सीख सकी। बाप ने उसको कोठी में काम करने के लिए डाल दिया। बेचारी काम करती है बच्ची, अभी कितने साल की है, 17 साल की है वो बच्ची, ठीक है। लेकिन उसके बाप ने बहुत ज़्यादती की है। मैं कहती हूँ ऐसे बाप को ना या तो बंदा गोली मार दे। अपने घर में तरह तरह के लड़के बुलाता है, अपने घर में उसको सुलाता है, नशे कराता है, खिलाता है, पिलाता है। एक ही कमरा है, एक ही कमरे में वो बहन भाई होते हैं, एक ही कमरे में वो लोग होते हैं, और गलत काम करता है। मैं कहती हूँ कि इमरान खान साहब, आप ऐसे लोगों को क्यों नहीं उठाते, ऐसे लोगों को क्यों नहीं पकड़ते हैं आप, क्यों नहीं इनका बेड़ा गर्क करते। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला एक ना दिन दिखाएगा, ज़रूर दिखाएगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन वो कुछ अच्छा नहीं कर रहा है। बड़े अजीब अजीब से, जब तक उसके घर में कोई लड़का नहीं आता, वो कोई भाई उसको नींद नहीं आती। आप मेरी बात समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ, यानी कि वो बहुत गलत इंसान है, बहुत गलत इंसान है। और इंशाल्लाह ताला मैं अपने इसी चैनल पे उस बच्ची को भी लेकर आऊँगी और उस बच्चे को भी लेकर आऊँगी। मैं इंशाल्लाह ताला बहुत अनकरीब, बहुत ही कुछ ही दिनों में ना मैं इस चैनल पे उस बच्ची को, दोनों बहन भाइयों को मैं लाजमी लेकर आऊँगी। फिर मैं आपको उन बच्चों की पूरी कहानी और पूरी दास्तान मैं सुनाऊँगी कि देखें, ठीक है, कि क्या हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, उनकी कहानी और उनकी ज़ुबानी मैं हर चीज़ आपको दिखाऊंगी, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। तो बहुत ही गलत हो रहा है कि तुम एक नशे के खातिर अपनी बेटी को तुमने काम पे डाल दिया, एक नशे के खातिर तुम्हारा बेटा नशा ही बन गया, कहाँ से कहाँ चला गया। तुम्हें सेंस होनी चाहिए, तुम्हारी जवान बेटी है। अब बच्ची 17 साल की है, तो जाहिर सी बात है अब जवान ही हो रही है ना, तो जवान बेटा जवान है, कभी घर से चला जाता है, घर छोड़ के चला जाता है। और उस बाप को, ऐसा बाप है जिस बाप को टेंशन नहीं होती कि यार ये मेरे बेटा है, ये मेरे बच्चे हैं। तो मैं उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ ये देखें, प्लीज़ अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा नशा मत करें, अपने बच्चों के सामने कोई ऐसा काम मत करें जो आपको आगे जाके भुगतना पड़े। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बच्चों के सामने जो करते हैं ना वही होता है, जो करोगे वैसा, जैसा करोगे वैसा भाओगे कहते हैं ना। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ मामा पापा जो भी हैं, इन लोगों के सामने कुछ ऐसा, यानी कि आजकल की जो औलाद है ना, माँ बाप के कहने में तो खैर नहीं है ना, माँ बाप का कहना मानती है। तो फ्रेंड्स प्लीज़, ये मेरा जो न्यू चैनल है, आप इसको प्लीज़, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ये नहीं कि ऐसे कि मैं टिकटॉक के पीछे पड़ गई हूँ, मैं उसके पीछे पड़ गई हूँ, मैं उसके पीछे पड़ गई हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब बहुत ज़्यादा मैं आपके लिए वीडियोस अच्छी अच्छी लेकर आऊँगी, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और उसके साथ जो छोटा सा घंटी का जो बटन है ना, उसे टन करके प्रेस कर दें, आपकी मेहरबानी प्लीज़। और हमारे लिए दुआ करें, हम लोग आपके लिए दुआ करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों के मामा पापा को, बहन भाइयों को, जितने भी हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, और जितने बीमार हैं अल्लाह पाक उन्हें जल्दी से ठीक कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़रूर ज़रूर मैंने जो भी बातें की हैं ना, उसको ज़हन में बिठाएं कि मैंने ये क्या कहा है आपको। प्लीज़ मैं कोई बात गलत नहीं करती हूँ, मैं जो बात करती हूँ थक करके करती हूँ। रामीन मलिक को कोई अच्छा समझे या ना समझे, मुझे इस चीज़ से लेना देना नहीं है, ठीक है ना। लेकिन जो बात मैं करती हूँ वह सच करती हूँ, बिल्कुल सच करती हूँ। तो फ्रेंड्स प्लीज़,
हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और जितना होता है शेयर करें। मैं हूँ आपकी प्यारी सी रामीन मलिक।